ये देखिए आप, एकदम हेल्दी सा लड्डू जिसमें ना ही चीनी है ना ही कोई मावा है। और ये तिल के लड्डू इतने ज़्यादा डिलीशियस और इतने ज़्यादा माउथ मेल्टिंग होते हैं और बहुत ही मिनटों में बन जाते हैं। इनकी खास बात यही है कि जब भी खाने का मन करे बस आप 2 से 3 मिनट में इनको तैयार कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सौम्या, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेड इजर में। तो मेड इजर पर पहली बार आए हैं तो लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तिल के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने ऐड किया है 1 कप सफ़ेद तिल। सबसे पहला स्टेप में हम तिल को रोस्ट करेंगे और इनकी जितनी भी भुनाई है तिल की वो हमें सारी बिल्कुल लो फ्लेम पे करनी है। तिल जब अच्छे से थोड़ा सा फूल जाएगा और थोड़ा सा इसमें कलर चेंज हो जाएगा, बहुत ही स्लाइट कलर चेंज होगा इसका, बस हमें इतना ही तिल को भूनना है। अगर मैं आपको पास से दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए तिल जो है अच्छे से जो है भुन गया है, हल्का सा कलर चेंज हुआ है। बस हमें इन्हें लगातार चलाते हुए भूनना था और अब हम यहाँ पे गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। उसके बाद हम इनको ठंडा करेंगे। जब हमारा तिल अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसको एक मिक्सी के जार में ऐड करेंगे। अब हमें इस तिल को एकदम दरदरा पीसना है, तो 1 से 2 बार रुक रुक के मिक्सी को चलाएँ और इस तरीके से एक दरदरा सा पाउडर सा तैयार कर लें। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 से 3 जो है इलायची जो है उसको मैंने छोटी वाली, उसको मैंने बीज निकाल के क्रश कर लिया था। साथ में मैंने यहाँ पर डाला है 1 कप गुड़ जिसको मैंने अच्छे से छोटे छोटा पीसेस में कट कर लिया है और इसको मेजर करके हम यहाँ पर डाल देंगे। और अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 छोटी चम्मच देसी घी। देसी घी से इन लड्डुओं में अच्छी सी बाइंडिंग आती है और इससे लड्डू बहुत आसानी से बन जाता है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इनको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। ये देखिए आप, ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है, तिल और गुड़ जो है अच्छे से मिक्स हो गया है। और तिल में अपना भी कुछ ऑयल होता है क्योंकि जब हम उसे भूनेंगे तो उसमें जो ऑयल होता है जब उसे पीसने के बाद वो बाहर आ जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से बाइंडिंग होने लगी है इसमें। अब ये लड्डू एकदम बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो बस किसी भी आप छोटी सी कटोरी में या कैसे भी इसको डालकर मेजर कर लें, जितना भी बड़ा आपको लड्डू बनाना है, इससे आपके लड्डू एकदम बिल्कुल सेम शेप और साइज़ के बनेंगे। तो इस तरीके से हम हाथों के बीच इस तरीके से गोल घुमा के इनके लड्डू तैयार कर लेंगे। तिल में देखिए कितना ऑयल होता है, ये मेरे हाथ पे भी आ रहा है और आप इस तरीके से लड्डू तैयार कर सकते हैं। इसमें बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितना क्वांटिटी में आपको गुड़ लेना है उतनी ही क्वांटिटी में आपको तिल लेना है, उससे स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। तो बस आप मेजरमेंट का ध्यान रखिए इसमें। और दूसरी बात ध्यान देने वाली यही है कि आपको जो है तिल को ओवर रोस्ट नहीं करना है, तिल को बहुत ही हल्का भूनना है जितने में वो हल्के से लाल हो जाए, बस इतनी ही हमें इसकी रोस्टिंग करनी है। तो इस तरीके से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे और इतनी क्वांटिटी में लगभग आपसे 5 से 6 मीडियम साइज़ के लड्डू तैयार हो जाते हैं। तो है ना, कितने सिंपल सी रेसिपी और कितनी इंस्टेंट है, ये झटपट बन जाती है। तो आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेड इजी, स्टे ट्यून, बाय बाय।